हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्रांड न्यू क्लास वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका कलेक्टिव नाउन, प्रीपोजिशन, एरर, कंजंक्शन, फ्रेज, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊँगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स के साथ, ठीक है। और हम पता लगाएंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब एक ही जैसी बहुत सारी चीज़ें एक समूह बनाती हैं, एक झुंड बनाती हैं, तो उस झुंड को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक बहुत ढेर सारे लोग एक साथ हैं, बहुत सारे पेड़ एक साथ हैं, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ हैं। मछली को तो मछली कहेंगे, लेकिन पूरे झुंड को क्या कहेंगे, जैसे लोगों को लोग कह देंगे, लेकिन लोगों के समूह को क्या कहेंगे, ठीक है। तो उस समूह को ही जो नाम दिया जाता है उसे हम कलेक्टिव नाम कहते हैं। व्हेन द सेम काइंड ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स आर एकुमुलेटेड हियर, वी यूज टू गिव अ टर्म टू देयर कलेक्शन और टू देयर एकुमुलेशन। उनके झुंड को हम एक नाम देते हैं, विच इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। तो हम आज हम पढ़ेंगे, पहले आता है बकरियों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। बकरियों के समूह को आप कह सकते हैं हर्ड या ट्राइब भी कह सकते हैं, ठीक है। जंगली जानवरों के समूह को क्या कहते हैं, चिड़ियाघर में जो रहते हैं। लोगों के समूह को मोब कहा जाता है, या पीपल माने लोग। कविताएं, बहुत सारी कविताएं जो होती हैं उनके समूह को कहते हैं एंथोलॉजी, कहते हैं एंथोलॉजी। और ग्रुप ऑफ फ्रूट्स क्या बनता है आपका, बास्केट। फलों के समूह को बास्केट कहते हैं। जहाजों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लीट, ठीक है। बुलेट जो गोली होती है बंदूक की, उसके समूह को हेल कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ रबिस, रबिस माने कचड़ा, कूड़े के ढेर को क्या कहते हैं, हिप। ग्रुप ऑफ बनानास, केला जो होता है, केला बहुत सारे झुंड में पेड़ पाया जाता है, उसको हैंड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त होते हैं उसके समूह को आप क्या नाम देंगे, उसको कहते हैं पार्टी, ठीक है। फ्रेंड्स माने, रबिस माने कचड़ा, ठीक है। फ्रेंड्स माने दोस्त, दोस्तों के समूह को पार्टी। ग्रुप ऑफ एरोस, तीर जो होते हैं, जो तीर होता है धनुष पे चलाने वाला, उस तीर को, झुंड को जो पीछे रखा जाता है तरकस में, उस तीर, एरो माने तीर, ठीक है, तीर, उसको कीवर कहते हैं। नोट जो होता है, ठीक है, नोट माने जो नोट होते हैं 10, 20, 30, 40 नोटों की गड्डी, गड्डी इसको कहते हैं। वैट माने होता है गड्डी, ठीक है, नोटों की गड्डी को वैट कहते हैं। ग्रुप ऑफ मैप्स को एटलस कहा जाता है, ठीक है। सिक्के जो होते हैं एक साथ जब खनखनाते हैं उन्हें हम रोल कहते हैं, ठीक है। वन मिनट, लेट मी करेक्ट, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, इट्स अ मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। बास्केट, फ्लीट, हेल, हीप एंड पार्टी, क्वीवर। ओनियन, प्याज जो होता है उसके समूह को रोप कहते हैं। रोप माने ऐसे रस्सा होता है, प्याज में भी रेसे होते हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। रोप माने रस्सा और प्याज में रेसे होते हैं, उनको रस्सी समझ लीजिए। और कॉइन मतलब सिक्का, सिक्का रोल होता है यानी कि गोल होता है, तो उसके समूह को रोल कहते हैं, ठीक है। एरोप्लेन जो होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, स्क्वाड्रन, फ्लाइट या फ्लीट, तीनों कहते हैं। स्क्वाड्रन भी कहा जाता है, बहुत सारे हवाई जहाज एक साथ होंगी तो उसे स्क्वाड्रन भी कह सकते हैं, फ्लाइट भी कह सकते हैं, फ्लीट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स माने क्या होता है, अदाकार,
ठीक है। बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं जब एक साथ होते हैं, अदाकार जो होते हैं, उनके समूह को हम क्या नाम देते हैं? तो उनके समूह को अब कह सकते हैं फ्रेटर्निटी भी कह सकते हैं, फ्रेटर्निटी ऑफ एक्टर्स, ठीक है। गायक जो होते हैं सिंगर्स, गायक जो होते हैं उनके समूह को कोयर कहा जाता है, ठीक है। जो धूम्रपानी स्मोकर माने जो सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग झुंड में एक साथ बैठ के सिगरेट पिया करते हैं, उनके समूह को हैक कहते हैं। उनके समूह क्या कहा जाता है? हैक या बिल्लो भी कहते हैं, हैक या बिल्लो, ठीक है। मुर्गियां जो होती हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रूड, ब्रूड, मुर्गियों के समूह को ब्रूड कहा जाता है। पक्षी जो होते हैं जितने, ऐसे हम पक्षियों के समूह को फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड फ्लॉक कहलाता है, मुर्गियों का झुंड ब्रूड कहलाता है। ग्रुप ऑफ रूम माने कमरे, कमरों, जब होटल के कमरे हो गए जैसे, तो उन कमरों के समूह को हम क्या कहते हैं? स्वीट कहते हैं। SWWT स्वीट माने मिठाई, SUIT स्वीट माने कमरों का झुंड। आपको बात समझ में आ रही है? ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। इतना आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको याद करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट बिलो, प्लीज़ राइट इट डाउन, रिवाइज इट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आर इन द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, नॉट फॉर मी, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर यू, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर यू, ओके। कीप स्टडिंग, कीप रिमेंबरिंग ऑल दिस कलेक्टिव नाउन्स, थैंक यू।